इन दिनों प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी के कई मामले सामने आ रहे हैं। चाहे वह स्कूल फीस में मनमानी को लेकर हो या फिर स्कूल बसों में छात्रों को ठूस ठूस कर भरने का मामला हो। ऐसा ही एक मामला झाबुआ में सामने आया है, जहां स्कूल संचालक की मनमानी से छात्रों के परिजन परेशान हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों के भविष्य को लेकर लाख दावे कर ले, लेकिन निजी स्कूलों के संचालकों की मनमानी छात्रों के परिजनों पर भारी पड़ रही है। वैसा ही एक मामला झाबुआ जिले की पेटलावत तहसील के बामनिया पंचायत में देखने को मिला, जहां पर MDH स्कूल प्रबंधन की मनमानी देखने को मिली। यहां के मैनेजमेंट द्वारा छात्रों के परिजनों को झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकियां आए दिन मिलती रहती है। छात्रों के परिजनों द्वारा आज शिकायत की गई कि स्कूली बसों में बच्चों को बैठने की सीट नहीं मिल पाती है। बस 52 सीटर है, पर 80 बच्चों को कैसे बिठाया जाता है। शिकायत पर स्कूल प्रबंधन की ओर से छात्रों के परिजन को ही झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। यहाँ पे आते हैं, उसमें 52 सीटर बस हैं, उसमें 80 बच्चे बैठाते हैं, 80 से 81, और बच्चे की यह कंडीशन हो जाती है, वो रोने लग जाते शाम का थे कि नहीं हम नहीं बैठेंगे पापा, हमारे तो बस में जगह नहीं है, यूँ नहीं है। छोटे छोटे इसके 4 साल की गुड़िया है, ये भाई मैंने ये नहीं है। हमारे घुगरी से 18 बच्चे आते हैं, और यहाँ पर जब भी बात करते हैं उनसे तो वो कहते हैं हाँ देखवा लेंगे। प्रिंसिपल सर के पास मैं 3 दिन पहले आया था, आवेदन लिखित में आवेदन दिया है हमने, तो उन्होंने बोला कि मैं दिखवा लेता हूँ, और आखिरी में बोला कि मधु मैम से मिल लो, परसों दिन समस्या का हल हो जाएगा। तो आज भी बच्चे ACTC गए, ऐसे ही गए, वो कोई हल नहीं। हम मैडम के पास मिलने गए तो मैडम ने हमको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, वो मस्ती से चाय पी रही, हमारे पास सारे वीडियो है, और हमको उल्टा हमको धमकाया कि तुम बाहर निकलो यहाँ से, तुम्हारे खिलाफ FIR करवा दूंगी, पुलिस को बुला रही हो, तुमको यह कर दूंगी। तो ये का तरीका होता है क्या हमारे पैसे से? हमारा समस्या का समाधान के लिए जो बस जो पहले चल रही थी वही बस, चलो आपने एक बस बंद करके दो बस कर दी, रूट बढ़ा दिया, रूट भी बढ़ा दिया। जो 8:15 बजे वहाँ से घुघरी से बैठते बच्चे, वो 10:30 बजे यहाँ पे, और सुबह शाम को अभी 3:15 बजे यहाँ से छुट्टी होती है, तो 5:30 बजे हमारे घुघरी पहुँचते हैं, तो 5 घंटे हमारे बच्चों के बस में निकल रहे, 4:30 बजे अभी घर पहुंचेंगे, अभी घर नहीं पहुंचे हमारे बच्चे, अभी घर नहीं पहुंचे। समस्या वो नई बस लाए, वो खड़ी करवा दी उन्होंने डीजल के चक्कर में, क्या मालूम क्या इनका कुछ कितने बच्चे थे उज्जैन क्लीनर का बयान भी सुन लीजिए आप, उसमें क्लीनर बोल रहा है कितने बच्चे बैठ के आया, फिल्मों के पूरा चित्र बनाया मैंने खुद ने मेरे हाथ से बनाई, के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं है सर, इसको लेकर कोई एक बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा? जी अगर ये आप जैसा बता रहे हैं कि ये इशू बार बार फेस हो रहा है, तो अगर ये मतलब ठीक पाया जाता है तो बिल्कुल इस पर कार्रवाई की जाएगी। सर 11वीं और 12वीं की फैकल्टी यहाँ खुली हुई है, तीनों फैकल्टी में कोई भी टीचर यहाँ पर पूरे सत्र में नहीं है। ऐसी भी मतलब इस प्रकार की संस्थाएं चल रही है जिनके टीचर्स यहाँ नहीं है, और उनको परमिशन दे दी है 11, 12 जैसी महत्वपूर्ण कक्षाओं की, यहाँ पे पेरेंट्स भी खड़े हैं कुछ ऐसे जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं 11वीं 12वीं में, और यहाँ पे पेरेंट शिक्षक नहीं है, मतलब जो 10वीं तक के शिक्षक है आज आपको भेज दिया कल उसको भेज दिया, ऐसे संस्था चल रही है, तो क्या शिक्षा विभाग को आप? जी आपने जैसे ये इश्यू मेरे संज्ञान में लाया है, तो हम शिक्षा विभाग के थ्रू जो भी कार्रवाई है करवाएंगे इस पर। सर एक पत्रकार साथी का मोबाइल छीना पर उसमें आप क्या कहेंगे? जी अभी मैडम ने सबके समक्ष में माफ़ी मांग ली है और मोबाइल भी वापस कर दिया गया है, और इस पर जो भी है उन्होंने माफ़ी मांग ली है, तो अब इसके आगे जो भी कार्रवाई है हम। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।